राजधानी शिमला में 14 वर्षीय स्कूली छात्रा और एक सरकारी कर्मचारी का शव फंदे से लटके हुए मिले हैं। दोनों घटनाएं शहर के अलग अलग हिस्सों की हैं। इसमें छात्रा की मौत संदिग्ध बताई जा रही है, जबकि कर्मचारी के शव के पास एक सुसाइड नोट मिला है। पुलिस के मुताबिक शहर में एक 9वीं कक्षा की छात्रा फंदे से लटकी हुई मिली है। किशोरी जिला हमीरपुर की रहने वाली थी और माता पिता के साथ शिमला शहर में रह रही थी। देखिए, ये दो मामले कल थाना छोटा शिमला में रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें कि पहला मामला तो एक 6:15 बजे के लगभग कोई थाना पर शिकायत मिली कि किसी व्यक्ति ने फंदा लगा लिया है पंथा घाटी के क्षेत्र में, जो कि कुसुमटी चौकी के अंतर्गत आता है। तो वहां पर एक युवक है जिसकी आयु लगभग 27 वर्ष थी और वो जिला कांगड़ा का रहने वाला था। उसने जो पंखे के लिए जो हुक लगा होता है उसके साथ अपने आप को टांगा हुआ था। साथ ही जब पुलिस मौका पर गई तो मौका पर जो है उसका लिखित एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने कहा है कि वो कुछ मानसिक तौर से परेशान है। बाकी युवक का जो पोस्टमार्टम है IGMC शिमला से कराया गया है और आगामी जो जांच है 174 CRPC के अंतर्गत पुलिस द्वारा की जा रही है। दूसरा मामला भी थाना छोटा शिमला के अंतर्गत ही है, जहां एक युवती को जो है घायल अवस्था में समझो उसको उसके माता पिता IGMC शिमला ले गए थे। वहां से पुलिस को सूचना मिली तो जब छानबीन की गई तो छानबीन पे ये पाया गया कि ये बच्ची घर पर जब थी तो इसको इसके माँ बाप जब फोन कर रहे थे तो ये फोन नहीं उठा रही थी, और जब वो घर आए तो देखा कि इसका फोन जो है बाथरूम में बज रहा है और अंदर से जो है कुंडी बंद है। तो अंदर जब उन्होंने जाकर देखा तो उसने जो चुन्नी के साथ अपने आप को जो है लटकाया हुआ था, और उस बच्ची की भी IGMC में मृत्यु हो गई थी और उसका भी पोस्टमार्टम करवा कर जो है आगामी जांच 174 CRPC के अंतर्गत। अभिषेक।